बहराइच की मशहूर दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर जियारत करने पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य करम अली। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि पहले की सरकारों में मदरसे झोले में चलते थे, जिनका आज आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराने के संबंध में कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को भाजपा से जोड़ना था। आज आपका बहराइच आना हुआ है, क्या मुख्य उद्देश्य था जिसको लेकर आप बहराइच आए? देखिए, परीक्षाएं हमारी जो है, माननीय मुख्यमंत्री के जो निर्देश था, नकलहीन परीक्षाएं हुई, कि सबको, सारे DMO को, रजिस्ट्रार को, निदेशक को, सारे लोगों को बधाई, जो भी शिक्षक लगे थे उनको सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य पूरा हुआ नकलहीन परीक्षा का। और ये आपने देखा कि जब से हमारी सरकार बनी है माननीय योगी जी की, मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाने की बात हमेशा हुई है, उसको कारगर भी बनाया। और हमारे पास 539 सेंटर बने, तो 539 सेंटरों में हमारे के इंदिरा भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया और उस कंट्रोल रूम से निगरानी करी गई, और निगरानी करने के बाद जहां जिसको जो कमी थी उसको सुधार किया गया। और नकलहीन परीक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था, उसके उद्देश्य से हमने उसको पूरा किया। और हमारी जो परीक्षा हुई, आपने देखा IC बोर्ड, आपने देखा SEC बोर्ड, देखा आपने CBSE बोर्ड, देखा UP बोर्ड, देखा, उसकी तर्ज पे ही मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं अपील हुई। पहले लोग जानते नहीं थे कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं होती कैसे हैं। पहले आपने देखा कि सिर्फ भ्रष्टाचार होता था और लोग, सरकारें पिछली बार मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, बच्चों को योग नहीं होने दिया, कि बच्चों को योग होने दिया। हमारी सरकार उनको जो हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, 10% हर साल माननीय मुख्यमंत्री बजट बढ़ाते हैं और बच्चों को मुख्य धारा में लाने की काम कर रहे हैं। और हर बच्चे को अब मालूम है कि शिक्षा से ही हमें आगे जाना है। बहुत से ऐसे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि आज IAS IPS चुन के आ रहे हैं, PCS आ रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी हमारी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप, तो मुस्लिमों ने उस सपने को पूरा भी किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साथ दिया, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा साथ दिया, आदर्श पार्टियों ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा। हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा, इंसान समझा और मुख्य धारा में लाने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से। उन्होंने जो कहा था मुसलमानों के लिए किया, लेकिन हमारे जो DMO हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सपने को भी पूरा किया, जो नकलहीन परीक्षा बाखूबी हुई। और सब DMO सारे ही लोग बधाई के पात्र हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। और हमारा आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने यहाँ पर देखा था कंट्रोल रूम से बैठ के, कि यहाँ पे एक मदरसा चल रहा है, वहाँ पे उस मदरसे के अंदर मैंने देखा कि लाल बिंचे हैं, हरी बिंचे हैं और सफ़ेद बिंच हैं। तो मैंने कंट्रोल रूम से पूछ के देखा कि कौन सा ज़िला, मतलब बहराइच ज़िला है ये। तो उस बहराइच ज़िले के मदरसे को मैं खास करके देखने आया हूँ, कि उस मदरसे ने, आप समझ लीजिए कि UPSC, CBSE और UP बोर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये मदरसा बोर्ड का मदरसे चल रहे हैं, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास उपलब्ध है। और जो हमारे जो केंद्र बन रहे थे 539, वो उन हेडक्वार्टर जो हमारे पास था, उस हेडक्वार्टर से जुड़े हुए थे। तो बड़ी खुशी हुई कि कहीं भी नकल नहीं।